हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों के सीजन में हमारी स्किन के साथ प्रॉब्लम क्या क्या होती है? ड्राइनेस होती है, डल होती है, रिंकल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, लाइफलेस स्किन लगती है। तो ऐसे में मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ एक ऐसा फेशियल जो कि आपकी स्किन को ग्लो देगा, चमक देगा। एंटी एजिंग तो है ही, सैगिंग स्किन अगर आपकी स्टार्ट हो चुकी है, काफी ज्यादा स्किन लटक रही है, झुर्रियां आने लग गई हैं, फाइन लाइंस दिखती हैं इस पोर्शन में, या फिर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो उसको ठीक करेगा। आपकी एज अगर 40-45 साल है तो भी आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल लगती है, तब भी आप इस फेशियल को करें, बढ़िया रिजल्ट्स देगा। और अगर 20-25 साल है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, सर्दियों में रूखी सूखी बेजान सी त्वचा है, तो आप जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरू कर दिए बढ़िया सा फेशियल, जो कि है एक फेशियल लेकिन आपको काफी सारे बेनिफिट्स देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इस फेशियल के लिए हमें लेना है बनाना, और हमें चाहिए सिर्फ आधा ही बनाना, और वो भी हम इसको स्किन के साथ यूज करेंगे। मैंने आपके साथ पहले भी काफी सारे फेस पैक शेयर किए हैं बनाना को लेकर, और आपको भी पता है कि एंटी एजिंग की अगर हम बात करते हैं तो मैं बनाना बहुत अच्छे से यूज करना पसंद करती हूँ। और दूसरा, अब विंटर्स हैं तो हम जो फेशियल कर रही हैं वो बनाना के साथ करेंगे। और बनाना की स्किन में और बनाना में होता है विटामिन ए, जो कि हमारी स्किन को रिपेयर करने का बहुत अच्छा काम करता है, स्किन को लाइट करने का बहुत अच्छा काम करता है। जिन भी लोगों की क्वेरीज होती है ना कि स्किन पे बहुत ज्यादा मोल्स हैं, बहुत ज्यादा स्पॉट्स हैं जो कि हट नहीं रहे हैं, सन स्पॉट हैं, काफी ज्यादा ब्राउन ब्राउन कलर के तिल बन गए हैं, अगर आप रेगुलर बनाना अपनी स्किन को देते हैं तो आपकी स्किन से वो सारी चीजें हट जाती हैं। मैंने बनाना के पीसेस को छोटा छोटा कट करके ग्राइंडिंग जार में डाल दिया, और साथ ही इसमें ऐड किया रोज वाटर। रोज वाटर आपको 3 से 4 चम्मच इसमें एटलीस्ट डालना पड़ेगा, नहीं तो ये ग्राइंड नहीं होगा। अब आप देखिए, मैंने 3 यहाँ पे स्टेप्स रेडी कर लिए। फर्स्ट स्टेप रेडी कर लिए, जो कि है सिर्फ कच्चा दूध, और बनाना का जो ये मिक्सचर हमें हमारे पास मिलकर आया है, इसको मैंने इक्वल क्वांटिटी में 2 बोल्स में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम हमारा फर्स्ट स्टेप रेडी है, जो कि हमें क्लिंजिंग मिल्क चाहिए और मैं कच्चा दूध यूज करूंगी। सेकंड स्टेप के लिए मैं बनाना के मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ चावल का आटा। चावल का आटा भी हमारी स्किन के लिए एंटी एजिंग का बहुत अच्छा काम करता है, एजिंग प्रोसेस को कम करने के लिए ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन होती हैं। और थर्ड स्टेप जो कि मैं यूज करूंगी मसाज, उसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ अगले बोल में हनी। ध्यान रखिएगा, जो मैंने चावल का आटा जिस बोल में मिक्स किया है वो अलग है, ये सिर्फ बनाना के मिक्सचर में मैंने ऐड किया हनी, क्योंकि ये मैं थर्ड स्टेप बना रही हूँ इसलिए मैंने सिर्फ बनाना के मिक्सचर में इसमें ऐड किया हनी। हमें मॉइस्चराइजर की तरह बहुत एक नमी चाहिए अपनी स्किन के लिए, जब हम फेशियल करें तो एक जेल बेस्ड कुछ हमें क्रीम जैसा चाहिए, तो इसीलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैं आधी चम्मच ऐड कर रही हूँ, विंटर्स हैं इस वजह से मैं ये हनी और ग्लिसरीन दोनों एक साथ ऐड कर रही हूँ। और एक चीज, ये वाला जो फेशियल हम लोग बना रहे हैं ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल है, क्योंकि सर्दियों में सभी की स्किन ड्राई हो जाती है, चाहे फिर वो ऑयली हो चाहे फिर वो कॉम्बिनेशन हो, तो ये सबके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मेरा ऑयली स्किन है फिर भी मैं इतना इसको अच्छे से डीप मॉइस्चराइज कर रही हूँ इस फेशियल से। सबसे पहले आप करिए अपनी स्किन को क्लीन, वो भी सिर्फ कच्चे दूध से। कच्चा दूध बहुत अच्छा क्लिंजर माना जाता है हमारी स्किन के लिए। आप किसी भी मौसम में इसको अप्लाई कर सकते हैं, डेली भी अप्लाई करेंगे तो आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएंगे। इसको आप कॉटन पैड की हेल्प से अच्छे से अप्लाई करें अपने फेस पे। कच्चा दूध जो है ये भी एंटी एजिंग का काम करता है। इसके साथ जब आप इसको अप्लाई कर लें तो थोड़ी देर के बाद आप इसको टिश्यू से क्लीन कर सकते हैं या फिर चेहरा वॉश भी कर सकते हैं, और हमारा चेहरा रेडी है फेशियल करने के लिए। अब हमें करना है अपना सेकंड स्टेप, जो कि है स्क्रबिंग। स्क्रब करने के लिए, जैसा कि आपको पता है, पूरे फेस पे आप अप्लाई कर लीजिए मिक्सचर को, और इसको फिर अब हम स्क्रब करेंगे। बनाना को अगर आप लगातार अपनी स्किन पे यूज करते हैं तो ये आपकी स्किन को
टाइट करने का काम करता है। जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि बहुत कम एज में उनकी रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, या फिर स्किन लटक रही है, या फिर स्किन टाइट नहीं है, तो आप बनाना के फेस मास्क, बनाना के फेशियल्स इस तरह से यूज करें, आपकी स्किन सडन आपको टाइट एंड ग्लोइंग फील होगी। अगर आप ये फेशियल भी करते हैं ना, तब भी आपको ना लास्ट में से लगेगा करने के बाद कि हमारी स्किन में काफी ज्यादा टाइटनेस फील हो रही है। ट्राई करके जरूर देखिएगा इस फेशियल को, सीरियसली अच्छे रिजल्ट्स देगा ये। और इस तरह से हल्के हाथों से आपको अपने चेहरे पे स्क्रब करना है, नोज के आसपास, नोज के ऊपर, फोरहेड पे, चिन पे, अगर ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स हैं तो इससे निकल जाएंगे, और जितनी भी एक धूल मिट्टी की परत जम गई होगी वो भी क्लीन हो जाएगी। नेक पे भी करना है हमें, और इस तरह से एटलीस्ट आप 1 से 2 मिनट तक जरूर करिए, उसके बाद चेहरे को वॉश कर लीजिए। अगला स्टेप करती हैं जो कि है मसाज। उसके लिए हमने जो अपना मसाज क्रीम बनाया था उसको अप्लाई करेंगे। अगेन मैं बात करूंगी हनी की। हनी भी आपको, आपने देखा होगा, मैं अपनी डीआईवाईज में बहुत यूज करती हूँ। चेहरे को कसाव देने का काम करता है, स्किन को टाइट करता है, स्किन पे ग्लो लाता है, बहुत अच्छा मॉइस्चर रिटेन करता है, बहुत अच्छी नमी देता है। हनी एक अलग सी शाइन एंड ग्लो दे देता है। सर्दियां हैं, सभी स्किन टाइप्स के लोग हनी को यूज कर सकते हैं। और अब आपको इसको अच्छे से मसाज करते हुए, अपनी स्किन को अपलिफ्ट करते हुए मसाज करना है। मसाज स्टेप्स आपने देखे होंगे मेरे सभी फेशियल्स में, मैं बहुत अच्छे से मसाज करना प्रेफर करती हूँ, स्पेशली उन एरियाज में जो कि सैगिंग एरिया हो सकते हैं, जैसे कि चीक्स, जैसे कि आंखों के पास, या फिर नेक पोर्शन। ज्यादातर हमारी फाइन लाइंस आना जहां पे स्टार्ट होती है उन पे हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे और अच्छे से मसाज करेंगे। नेक पोर्शन को आपको किसी भी स्टेप में भूलना नहीं है, क्योंकि नेक भी उतनी ही सेम इंपॉर्टेंट होती है। बनाना को आप उसकी स्किन के साथ जरूर यूज करें। मैंने आपको जैसे बताया, बनाना के छिलके में बनाना से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर हम अपनी स्किन पे लगाते हैं तो। डायरेक्टली बनाना का छिलका भी अगर आप अपनी स्किन पे डेली रब भी करेंगे ना, तब भी आपको बहुत अच्छा एंटी एजिंग इफेक्ट देगा। वो एक नेचुरल एंटी एजर होता है बनाना का स्किन। अब आपने देखा कि मैंने किस तरह अपलिफ्ट करते हुए अपनी स्किन को ये मसाज किया, इसी तरह से मैं नेक पोर्शन को भी कर रही हूँ। ऊपर की तरफ जरूर करना है, नहीं तो स्किन का जो सैगिंग है वो जो हो रही है वो ठीक होना मुश्किल है। अब आप अपने प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको रिलैक्सेशन फील हो, माथे पे और नोज के आसपास, चिन के आसपास। इस तरह से अगर आप सर्दियों में हफ्ते में एक बार ये फेशियल करती हैं तो आपको खुद को बहुत अच्छा अपनी स्किन पे ग्लो नजर आएगा। उसके बाद जो ये पैक बच गया था इसको मैं एज अ पैक अप्लाई कर लूंगी, और इसको एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आपको इसी तरह से छोड़ देना है। उसके बाद आप चेहरे को वॉश कर सकते हैं। चेहरा मैंने वॉश कर लिया, अब आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे एक अलग सा आपको ग्लो नजर आएगा। बस अब आप अपना लास्ट में जो भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर है वो लगा सकती हैं। मैं लगा रही हूँ पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर, और बस मेरा फेस पूरी तरह से रेडी है। मैंने फेशियल कर लिया और मुझे बहुत स्किन टाइट एंड ग्लोइंग फील हो रही। आप भी जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कैसा लगा आपको बढ़िया से ये बनाना फेशियल? आई होप जरूर पसंद आया होगा। बनाना हमारी स्किन के लिए सीरियसली बहुत बढ़िया एंटी एजिंग का काम करता है, स्किन को अपलिफ्ट करता है, स्किन को टाइट करने का काम करता है। इसको रेगुलर यूज कीजिए, ड्राइनेस आपकी बिल्कुल टाटा बाय बाय हो जाएगी। और जो सैगिंग स्किन का प्रॉब्लम आ रहा है ना, 30-35 साल में भी आपको लगता है कि आपकी स्किन पे बहुत सारी झुर्रियां पड़ने लग गई हैं, वो भी ठीक हो जाएगी। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद दैट बेल आइकन। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी और बढ़िया सी DIY वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।